हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवी और आप देख रहे हैं शिवी वर्ल्ड। हमारा चेहरा तभी ब्यूटीफुल दिखता है जब हमारी आंखें भी उतनी ही ब्यूटीफुल नज़र आएं। और अपनी आंखों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं उनमें फेक आई लैशेज और ढेर सारा ग्लू भी अप्लाई कर लेते हैं अपनी आँखों पर इसी तरह से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी आई लैशेज कहीं निकल ना जाए और बीच पार्टी में हमारी आंखें ख़राब ना नज़र आने लगें। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो ग्लू होता है और जो फेक आई लैशेज हम लगाते हैं उससे हमारी आंखों को कितना इफ़ेक्ट पड़ता है और कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है वो हमारी आंखों के लिए। जो ग्लू हम फेक आई लैशेज को फिक्स करने के लिए अपनी आंखों पर अप्लाई करते हैं उसमें केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारी ओरिजिनल आई लैशेज ख़राब हो जाती हैं और उनकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अक्सर आपने देखा होगा फेक आई लैशेज लगाने के बाद जब आप अपनी आई लैशेज को रिमूव करते हैं, फेक आई लैशेज को, तो हमारी जो ओरिजिनल आई लैशेज होती है वो भी साथ में उसके रिमूव हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि टूट कर निकल जाती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी आँखों के लिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आप फेक आई लैशेज़ का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए और अपनी ओरिजिनल आई लैशेज़ को उसी तरह से केयर कीजिए और आपकी ओरिजिनल आई लैशेज़ आपको फेक आई लैशेज़ जैसा ही लुक देंगी। लेकिन अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी आँखों को ख़राब करना चाहते हैं, तो आप फेक आई लैशेज़ अप्लाई कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप अपनी ओरिजिनल आई लैशेज़ की केयर करते हैं काफ़ी अच्छे से, तो आई एम श्योर आपको कभी भी फेक आई लैशेज लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी ओरिजिनल आई लैशेज बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएगी फेक आई लैशेज के जैसे ही। तो आज की मेरी रेमेडी है कि आप अपनी ओरिजिनल आई लैशेज को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे उन्हें थिक बना सकते हैं फेक आई लैशेज के जैसे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना, अगर नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, वरना आपको मेरी वीडियोस की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली है। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब हम फेक अपनी ओरिजिनल आई लैशेज को ग्रो कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। कुछ टाइम पहले मेरी आईज़ में एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरी आई लैशेज बहुत ही ज़्यादा टूट जाती थी, बिकॉज मेरी आईज़ में इचिंग होती थी और उसको इचिंग करने की वजह से मेरी आई लैशेज टूट के निकल जाती थी। तो मेरी आँखें बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी लगने लगी थी और मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ गई थी कि मैं क्या करूँ उसको ठीक करने के लिए। तब मैंने ट्राई किया ये DIY और ये सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप खुद देख सकते हैं मेरी आई लैशेज अभी कितनी अच्छी हो गई हैं और कितनी अच्छे तरह से ग्रो कर गई है, आप इस तरह से नोटिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आप भी अपनी आई लैशेज को ग्रो करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको किसी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ भी बहुत ही ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बस घर में ही आपको मिल जाएगा आसानी से। तो बस आपको थोड़ा सा उसको ट्राई करना है और अपनी आँखों को बनाना है ब्यूटीफुल। अब इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आप भी इतनी ब्यूटीफुल आइज़ चाहते हैं तो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आंखें कैसी लगती हैं और आप भी ऐसी अगर आई लैशेज बनाना चाहते हैं, उनको ग्रो और थिक बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं हमारी इस रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। इस DIY को बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ वैसलीन प्रोटेक्टिंग जेली। अब मैं ऐड करूँगी इसमें पतंजलि एलोवेरा जेल, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए मस्कारा ब्रश ले रही हूँ, इसकी हेल्प से हम आंखों पे इसे अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर वैसलीन ले रही हूँ, आपको इतनी क्वान्टिटी में लेना है जितना हमारी दोनों आँखों पर अप्लाई हो सके और आई थिंक इतना इनफ होगा। अब मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूँगी, अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जब तक ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसको मिक्स कर दीजिए। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से अपनी आई लैश पे अप्लाई करना है। आपको इस तरह से मस्कारा ब्रश पे थोड़ी सी क्वांटिटी में ये मिक्सचर ले लेना है और इस तरह से अपनी आई लैश पे अप्लाई करना है जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। और सिंपल है, बस जैसे हम मस्कारा अपनी आई लैश पे अप्लाई करते हैं उसी तरह से आपको ये भी अप्लाई करना है।
ऊपर की तरफ मैं अप्लाई करूँगी और अब मैं नीचे की आईलैश पे भी इसे अप्लाई करूँगी, बिकॉज नीचे की आईलैश भी ग्रो हो जाएगी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं हमारी आँखें। तो अब मैं इसी तरह से दूसरी आईज पे भी अपनी अप्लाई कर लूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा और आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। गाइज मेरे लिए तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आईलैशेज बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती थी और बहुत फॉल होती थी, तो अभी मेरी आँखें तो बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी आँखें भी आप चाहते हैं कि उतनी ही ब्यूटीफुल नज़र आएँ और आप फेक आईलैशेज ना लगाएँ। तो इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। इसी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको इसे ऑल नाइट के लिए ऐसे ही लगाकर सो जाना है। इसे लगाकर आप सो जाइए और मॉर्निंग में आप जैसे फेस वॉश करते हैं तो ये अपने आप ही आपकी आई से रिमूव हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा। तो मेरे पास आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास मस्कारा ब्रश नहीं है तो आप अपनी फिंगर टिप की हेल्प से भी इसे अपनी आईलैश पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इसी तरह से आप अपनी फिंगर्स पे लेकर थोड़ा सा अमाउंट में लेकर और इसे अपनी आईज पे इसी तरह से अप्लाई कर लीजिए और बस फिर आप देखिए आपकी आईलैश कितनी ब्यूटीफुल दिखती हैं। और ये फेक आईलैशेस आपकी ओरिजिनल आईलैशेस के आगे तो कुछ भी नहीं लगेंगी और आप भी देख सकती हैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 वीक तक इसी तरह से फॉलो करते रहना है, इसी तरह से अप्लाई करते रहना है अपनी आंखों पे और आई एम श्योर 1 वीक में ही आपको रिजल्ट नज़र आएगा और आपकी ओरिजिनल आईलैशेस हो जाएंगी, फेक आईलैशेस के जैसी ही ब्यूटीफुल दिखेंगी। जिस किसी की भी आईलैशेस ग्रो नहीं कर रही है, टूट रही है, फॉल हो रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यह आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगी आपकी आईज़ के लिए और कोई नुकसान भी नहीं होगा इससे आपकी आँखों को और आपकी आईलैशेस भी ग्रो कर जाएंगी। सो गाइज ये थी मेरी आज की DIY होम रेमेडी। मैं आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू ऑसम रेमेडी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।